चीन अपने उत्तरी पश्चिमी राज्य सिंकियांग में स्थित टकलामकान रेगिस्तान में 11 किलोमीटर से ज्यादा गहरा गड्ढा खोद रहा है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह गहरा गड्ढा धरती की प्राचीनतम क्रेटासियस दौर की तहों तक पहुंचेगा। क्रेटासियस एक भूगर्भीय काल माना जाता है जो 145 से 66 मिलियन वर्ष के बीच की बात है। इस काम के 457 दिन में पूरे होने की उम्मीद है। यहाँ काम करने वाले ऑपरेटर्स दिन रात भारी मशीनरी के साथ काम में लगे रहेंगे। इस योजना को चीन में खुदाई की सबसे बड़ी योजना बताया जा रहा है। इससे पहले चीन में इस तरह के सबसे गहरे कुएं की गहराई 10,000 मीटर दर्ज की गई थी। हालांकि चीन की ओर से खोदा जाने वाला यह गड्ढा इंसानों का बनाया गया सबसे गहरा गड्ढा नहीं होगा। यह रिकॉर्ड रूस के खोदे गए कोला ड्रिलिंग कुएं के पास है, जिसकी खुदाई लगभग 2 दशकों तक जारी रहने के बाद साल 1989 में 12,262 मीटर यानी 12 किलोमीटर से ज्यादा पहुंच गई थी। इसके बाद इस काम को रोक दिया गया। मगर सवाल यह है कि चीन इतना गहरा गड्ढा क्यों खोद रहा है, जिसकी गहराई दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई से भी ज्यादा है। इस योजना का नेतृत्व सरकारी संरक्षण में चलने वाली पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन सिनोपैक कर रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लगभग 2 साल पहले देश के वैज्ञानिकों पर जोर दिया था कि वह जमीन की गहराइयों में मौजूद संसाधनों की तलाश के काम में आगे बढ़ें, और अब इस योजना का काम शुरू किया गया है। चीन में तेल और गैस की खोज पर काम करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि लियू जियागांग ने बताया है कि इस कुएं की खुदाई के 2 मकसद हैं, वैज्ञानिक शोध और तेल व गैस की तलाश। ध्यान रहे कि चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन न केवल चीन की सबसे बड़ी कंपनी है, बल्कि यह दुनिया की तेल और गैस की बड़ी कंपनियों में से एक है। चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने इस बात का इशारा भी किया है कि इस योजना का मकसद यह भी है कि इस क्षेत्र में तेल और गैस के बेहद गहरे नए भंडार तलाश करने की कोशिश की जाए। धरती की सर्वाधिक गहराई में हाइड्रोकार्बन के भंडार आमतौर पर 5,000 मीटर या 5 किलोमीटर की गहराई से नीचे समुद्री क्षेत्रों में स्थित होते हैं। टकलामकान रेगिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि यह ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहां तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मौजूद हों। लेकिन इस रेगिस्तान को काम करने के लिहाज से मुश्किल इलाका समझा जाता है, जहां सर्दियों में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि गर्मियों में यह तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाता है।